हैं अगली खबर की ओर। कपूरथला शहर के कई मोहल्लों में डायरिया नामक बीमारी फैल गई है। दो मौतें भी हुई हैं जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर स्थानीय विधायक राणा गुरजीत सिंह ने नगर निगम कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा सरकार और नगर निगम पर व कब्जाधारी पार्टी पर हमला बोला है। कपूरथला से अजय सब्रवाल की रिपोर्ट। ਕੌਂਸਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਰੋਗੈਂਟ ਆ। 14,60,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ। मैं डीसी साहब नूं भी बेनती की, मैं डीसी साहब असी हाउस दीआं मीटिंग्स नहीं छड्डियां होणियां, और जे मीटिंग्स होणियां मीटिंग्स दे विच जे कोई डिस्कशन हुंदी आ, मेरे बड़े रेंडे सी, मैं सारे कोई नहीं पाउणा, सिर्फ दो काम कर रहे हैं। बरसात आउण वाली आ, कोड लगण वाला, यही टाइम आ कि असी सीवेज साफ कर सकते। और तुहानूं सभ नूं पता होएगा कि दो किस्म के सीवरेज होंगे, एक वे सुपर सैक्शन के नाल साफ होंगे, जी छोटी सफाई होंगी वो छोटिया जेटिंग मशीन होंगी। तो साढ़े कपूरथले साढ़े वेले भी नहीं हुई, मैं भी झूठ नहीं बोलना, मैं कोई इन्होंने बेनती करने की जरूरत नहीं जितने आया, तो मैं उन्होंने बंद चाहनी कि मैं सर रोटियां सेकां, लेकिन गल करूँगा सच्ची।